भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने ऐसा तूफान मचाया कि एक के बाद एक रिकॉर्ड ध्वस्त होते चले गए। ओपनिंग करने उतरे संजू सैमसन और तीसरे नंबर पर आए दीपक हुड्डा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का वो नजारा पेश किया कि रोमांच से दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इसी के साथ दोनों बल्लेबाज T20 क्रिकेट के इतिहास में भी दर्ज हो गए हैं। दोनों ने T20 इंटरनेशनल में दूसरे विकेट के लिए सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर आए दीपक हुड्डा ने ओपनर संजू सैमसन के साथ 176 रन की पार्टनरशिप की। ये T20 इंटरनेशनल में अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इस रिकॉर्ड के साथ दोनों बल्लेबाज शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इससे पहले इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर और डेविड मलान के नाम 167 रनों की नाबाद पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में 1 दिसंबर 2020 को बनाया था। दीपक और संजू ने 168 रन बनाते ही ये रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। श्रीलंका की बल्लेबाज महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा के नाम दूसरे विकेट के लिए 167 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड दर्ज है। श्रीलंका की बल्लेबाज महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा के नाम दूसरे विकेट के लिए 166 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड दर्ज है। अब वो इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दीपक और संजू ने ये रिकॉर्ड आइलैंड के मलाहाइट में बनाए हैं। दीपक हुड्डा ने 57 गेंदों में 104 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के जमाकर 142 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन जड़े। वही संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के ठोक डाले और उसी के साथ 183 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से कुल 77 रन जड़े। दीपक उस वक्त मैदान पर आए जब ईशान 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। उस वक्त टीम का स्कोर 13 रन था, लेकिन संजू के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा गदर मचाया कि इतिहास रच डाला। संजू सैमसन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए, तब तक दोनों बल्लेबाज टीम का स्कोर 189 रन पहुंच चुके थे। तो आपको कैसी लगी संजू सैमसन और साथ ही बात की जाए दीपक हुड्डा की जोड़ी, आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।